हेलो एवरीवन, रुचिका दिस साइड, वेलकम टू हिडन ट्रेजर। अक्सर हमें शाम को सुबह ब्रेकफास्ट में समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊं, तो आज मैं आपके लिए उसी का ही सॉल्यूशन लेके आई हूं। आज मैं आपके लिए तीन तरह के सैंडविचेस लेके आई हूं। फर्स्ट वन इज रेनबो सैंडविच। ये बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। इसके कलर्स बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं और इसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, तो ये बहुत हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस भी है। सेकंड इज पनीनी सैंडविच। पनीनी एक इटालियन वर्ड है, बेसिकली वो किसी भी ग्रिल सैंडविच को दे यूज टू कॉल पनीनी, सो एक मैं पनीनी सैंडविच लेके आई हूँ। थर्ड इज दही का सैंडविच। जी हाँ, दही से भी सैंडविच बनते हैं और आज मैं आपको दही का सैंडविच ही बनाना सिखाऊंगी। So guys, let's check out the ingredient and start the recipe. फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट विद रेनबो सैंडविच। इसके लिए मैंने तीन कटोरी में मेयो ली हैं और एक कटोरी में मैं आइसबर्ग और कैप्सिकम को कट करके डालूंगी। एक में मैंने बीटरूट कद्दूकस करके डाला है और एक में गाजर कद्दूकस करके डाली है। और अब पहले जिसमें आइसबर्ग और कैप्सिकम डाला था उसको मिक्स करेंगे और फिर जो बीटरूट वाला था उस मिक्सचर को मिक्स करेंगे एंड देन गाजर वाले को। अगर आपके पास आइसबर्ग नहीं मिलता हो तो आप लेटस भी ले सकते हो, और वो भी नहीं हो तो फिर यू कैन ट्राई पत्ता गोभी ऑल्सो। और ये गाजर वाले में थोड़ा सा सॉस और ये मैक्सिकन सालसा है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, इसको स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर देता है। और सब में फिर मैंने काली मिर्ची डाली और थोड़ा थोड़ा नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा। ये बीटरूट वाले में हल्का सा हनी डाला है मैंने, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है हनी भी इसमें। और अब ये तीनों को हम मिक्स कर देंगे मिक्सचर को, और इसमें मैंने थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग भी डाला है जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होता है। ब्रेड ली है और उसके कॉर्नर्स कट कर लेंगे एंड सबसे पहले फर्स्ट स्लाइस पे बटर लगाएंगे। बटर ब्रेड को एक स्टेबिलिटी देता है, वरना आपकी ब्रेड सॉगी हो जाएगी क्योंकि वेजिटेबल्स में भी अपना वाटर बहुत होता है। और ये मैंने बीटरूट पहले एक स्लाइस पे स्प्रेड किया है और फिर अब इसके ऊपर स्लाइस दूसरा रख के फिर ब्रेड लगाएंगे और फिर गाजर वाला जो मिक्सचर है वो स्प्रेड करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इजी सैंडविच, बट इसके कलर्स बच्चों को इतने टेम्प्ट करते हैं कि वो बहुत इजीली इसको पिक कर लेते हैं, और उनको वेजिटेबल्स खिलाना इसके थ्रू बहुत इजी हो जाता है। अब मैंने ऊपर थर्ड स्लाइस रखा है और इसके ऊपर हल्की सी हरी चटनी लगाई है। हरी चटनी भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। और इसको बंद करके मैं बीच में से हाफ कट कर दूँगी एंड जस्ट चेक आउट द कलर गाइज। इसके कलर बहुत सुंदर लगते हैं, इट लुक्स लाइक अ पेस्ट्री। और ये मेरे पास कुछ चेरी टोमेटो पड़े थे, मैंने उसमें एक बेजल का लीफ लगा के इसको गार्निश थोड़ा सा और किया है और बच्चों को थोड़ा सा अटेम्प्ट और करने की कोशिश की है एंड दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड सैंडविच, दैट इज़ पनीनी सैंडविच। पनीनी के लिए मैंने एक पिज़्ज़ा बेस लिया है और उस पर पहले बटर लगाया है और फिर ये पिज़्ज़ा टॉपिंग लगाई है। पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा के उसको हाफ कट कर देंगे और कुछ वेजिटेबल्स आपके अपने चॉइस के आप डाल सकते हो। मैंने चेरी टोमेटोज, अनियन और कैप्सिकम डाला है। ये मेरे पास कुछ दिल एंड बेबी कॉर्न पड़े थे तो वो मैंने यूज़ करे हैं, प्लस ऊपर से ऑलिव्स डाला और चीज़ डाले हैं और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेगा, क्योंकि टॉपिंग में भी नमक होता है तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंगली डालेगा। और इसको ऊपर से वापस कवर करके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे एंड देन वी विल ग्रिल दिस सैंडविच। और मेरा पनीनी ग्रिल हो गया है। मैंने इसमें इसको एक बोर्ड पे लिया है और साथ में थोड़े से नाचोस और टोमेटो केचप के साथ उसको सर्व किया है। ये बिल्कुल पिज़्ज़ा का ही टेस्ट देता है और ये बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि इसमें चीज़ होता है। आप इसमें मेयो भी डाल सकते हो, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। एंड लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड सैंडविच, दैट इज़ दही का सैंडविच। और दही का सैंडविच मैंने हंग कर्ड लिया है। ये मैंने दही को एक रात पहले कपड़े में टांग के रख दिया था और इसमें मैंने हरा धनिया डाला है बारीक चॉप किया हुआ, हरी मिर्ची डाली है
और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा। थोड़ा सा प्याज डाला है और ये इतना सा पीस पनीर का कद्दूकस करके बीच में डाला है। ये बहुत कुछ, अगर आपने दही के शोले खाए हों तो ये कुछ वैसा टेस्ट देता है। अब इस मिक्सचर में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेगा। दही ट्राई करेगा कि खट्टा ना हो। और ये मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। पहले ब्रेड पे बटर लगाएंगे, अगेन एक ब्रेड को स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि गर्म होने पे दही भी हल्का सा पानी छोड़ेगा तो आपकी ब्रेड वरना बहुत सॉगी हो जाएगी। और इसका अच्छा थिक लेयर डालिएगा ब्रेड पे, क्योंकि थिक लेयर हो तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसके बाद मैं इसको ग्रिल कर लूँगी। ग्रिलर में पहले हल्का सा ऑयल नीचे स्प्रेड करेंगे, उसके बाद सैंडविच रख के उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और ये हमारे दही के शोले तैयार हैं। इसको मैंने कैप्सिकम और धनिए के साथ थोड़ा सा गार्निश किया है और ये प्लेट में सर्व हो गए हैं। और हमारे तीनों सैंडविचेस तैयार हैं और ये जितने सुंदर देखने में लग रहे हैं उतने ही टेस्टी खाने में हैं। इफ़ यू लाइक द रेसिपी डू हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी या, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।